गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन पर लगातार जिले भर में पुलिस द्वारा गांजा व शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फिंगेश्वर पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के ग्राम हथखोश पुल के नीचे दो संदिग्ध व्यक्ति गांजा बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही फिंगेश्वर थाना प्रभारी बंसल बघेल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर और SDOP संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मौके पर दबिश देकर दो आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास कुल 3.780 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अनुज कुमार घसिया और युगल किशोर निर्मलकर बताया जा रहा है, जो महासमुंद के बेमचा और सुभाष नगर के निवासी हैं, जो गांजा लेकर हथखोज के पुल के नीचे बेच रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इस लॉकडाउन के बीच ये आरोपी गांजा आखिर कहां से और कैसे लाए होंगे। फिलहाल जिला पुलिस की लगातार कार्रवाई से अवैध गांजा तस्करों में दहशत है। अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथे आखिर वह चढ़ ही जाता है। ये घटना थाना फिंगेश्वर क्षेत्र के ग्राम हथखोज की है, जिसमें मुखबिर सुंजम पर रेड कार्रवाई की गई थी। रेड कार्रवाई पर 3.78 kg गांजा बरामद किया गया दो व्यक्तियों से, और दोनों व्यक्तियों के खिलाफ अभी 20 का NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। जैसे गांजा पे लगातार कार्रवाई हो रही है और गांजा तस्करों में दहशत है, वैसे ही लगातार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से जंग अब भी जारी है, ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.